हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हम आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप विंटर में किस तरीके का आउटफिट कैरी कर सकते हैं, स्पेशली आप शादी में अगर जा रहे हैं और छोटा मोटा फंक्शन है, हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, इस तरीके का आउटफिट आप कैरी कर सकते हैं। और ये आउटफिट आप ऑफिस में भी पहन के जा सकते हैं, ऑफिस या कॉलेज में। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस में ये आउटफिट कैरी कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में भी आप ये कैरी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ। आज मैं कहने वाली हूँ कि अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो जल्दी से एक हार्ट वाला इमोजी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विंटर्स आ गई है और दिसंबर से वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो वेडिंग सीजन में आप किस तरीके के आउटफिट कैरी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग समर्स के टाइम पे ऐसे करते थे कि हल्दी फंक्शन में हम अलग आउटफिट पहनने वाले हैं, देन हम मेहंदी फंक्शन में अलग आउटफिट पहनने वाले हैं, एंड शादी में अलग आउटफिट पहनने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको छोटे मोटे फंक्शन के लिए आप कौन सी ड्रेस कैरी कर सकते हैं विंटर्स में, वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो मैंने परचेज किया है वो मैंने अमेजोन से एक ब्यूटीफुल सा कुर्ता परचेज किया है वूलन का। तो सबसे अमेजिंग बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वूलन के कुर्ते जो भी मैंने आज तक देखे हैं वो लार्ज, जो साइज चार्ट हम देखते हैं उसमें लार्ज से स्टार्ट होकर के देन वो डबल एक्सेल पे जाता है, एंड जो मीडियम और स्मॉल साइज वाले होते हैं वो ऐसे बैठे के बैठे रह जाते हैं कि यार हमें कब ये कुर्ते पहनने का मौका मिलेगा। स्पेशली मुझे वूलन के कुर्ते इतने ज़्यादा पसंद है, बट कभी भी मेरे साइज का नहीं मिला। और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद फाइनली ये वूलन का कुर्ता देख लिया है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े मेरी तरह। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने कौन सा आउटफिट परचेज किया है। तो यहाँ पर मैंने ये वूलन का कुर्ता परचेज किया है अमेजोन से, एंड इसका साइज जो है वो स्मॉल है। स्मॉल साइज वैसे मैं ज़्यादातर जो अपने कपड़े ऑर्डर करती हूँ वो मैं एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल साइज में करती हूँ। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा आउटफिट परचेज कर रहे हैं। तो मुझे लगा था कि ये एक्स्ट्रा स्मॉल में क्योंकि नहीं था तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा लूज होगा तो मैं फिटिंग करवा लूँगी, बट ये इसका फिट जो मैं आपको बताती हूँ तो ये 10 out of 10 है फिटिंग में। तो बात करते हैं इसकी नेक की। तो ये राउंड नेक में आपको मिलेगा, राउंड नेक का है और इसकी नेक में इस तरीके का पैटर्न बना है, लाइक आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बाहर से इतना प्यारा सा दिख रहा है ना, इतना प्यारा पैटर्न है इसका, और अंदर से ये उतना ही गर्म है। मतलब आप देख सकते हैं, ये देखो अंदर से पूरा वूलन का ये कपड़ा है, पूरा वूल का है और इतना सॉफ्ट है ना कि बिल्कुल आपको पहन के इरिटेशन भी नहीं होगी, ये देखिए। और यार इसकी फिटिंग जो है वो कम्प्लीटली परफेक्ट है। मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाने वाली हूँ जहाँ पर मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है। जब भी हम कोई वूलन के कपड़े लेते हैं तो हमारा यही होता है कि यार बहुत ज्यादा हैवी से होंगे, और हैवी कपड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि विंटर्स में ही होता है कि आप 10 चीजें पहन रहे हो एंड उसके बाद भी आपको ठंड लग रही है। तो एक चीज पहनो और वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो माइंडसेट मेरा रहता है हमेशा। तो इसीलिए मैंने ये कुर्ती ऑर्डर की है, और ये इसका जो अंदर का कपड़ा है पूरा वूल का है और बाहर से ये बहुत लाइट वेटेड है। मतलब पूरा ओवरऑल कुर्ता लाइट वेट का है और अंदर से ये गर्म है, तो ये प्लस पॉइंट मुझे इसका लगा, और मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा भी लगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसी तरीके से एक और कुर्ती परचेज करने वाली हूँ अमेजोन से, बट अभी मैं ये पहन के जा सकती हूँ ऑफिस वगैरह में, और अपनी वीडियोज़ में भी मैं ये पहन सकती हूँ। और मेन बात ये है कि आप जो ये वाला आउटफिट है ना, ये आप वेडिंग के टाइम पे भी पहन सकते हैं, लाइक जैसे कि छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं वेडिंग से पहले, जैसे कि आप हल्दी सेरेमनी में ये पहन सकते हैं, मेहंदी सेरेमनी में ये पहन सकते हैं, तो ये भी उस टाइम पे भी एक अच्छा लुक देगा आपको। सो बात करते हैं बॉटम की। तो बॉटम में मुझे इसके साथ मिला है एक प्लाजो, तो ये प्लाजो और कुर्ती का सेट था। तो प्लाजो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये इस तरीके का है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है पहनने में, खुला सा पजामा है और इसका ये नीचे का पैटर्न जो है वो इस तरीके से है। और अंदर का सेम वही कपड़ा है, वूल का कपड़ा है, मतलब लाइट वेटेड पूरा सेट जो है वो बहुत लाइट वेटेड है एंड बहुत वार्म है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप कोई भी विंटर का आउटफिट परचेज कर रहे हो वो गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आपको इस कुर्ती के साथ अलग से स्वेटर भी कैरी करने पड़े। तो ऐसा नहीं है, आप ये लाइट विंटर में ये पहन सकते हैं, लाइक आप नवम्बर दिसंबर तक ये कुर्ती कैरी कर सकते हैं। अंदर से जो इसका कपड़ा है वो वूल का है,
बहुत लाइट वेटेड है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मैंने ये दो आउटफिट परचेज किए। अब बात करते हैं इसके साथ हम कौन सी एक्सेसरीज कैरी कर सकते हैं। तो मैंने जब ये कुर्ता कैरी किया था तो मैंने सोच लिया था कि यार विंटर्स में अगर हम बहुत ज्यादा हैवी की ज्वेलरीज कैरी करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विंटर्स में आप जितना डिसेंट, क्योंकि आपने देखा भी होगा विंटर्स में जितने भी आउटफिट आते हैं वो ज्यादातर होते हैं ब्राउनिश कलर के, ब्लैक कलर के, मतलब बहुत डार्क डल कलर के होते हैं, डल कलर्स के होते हैं। तो आप उसके साथ थोड़ी सी कम ज्वेलरीज पहने तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, हैवी ज्वेलरीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो यहाँ पर मैंने पेंडेंट परचेज किया इसके साथ पहनने के लिए, क्योंकि इसके साथ हैवी ज्वेलरीज तो बिल्कुल कैरी नहीं की जा सकती। तो अगर आप ये आउटफिट जो है वो ऑफिस में पहन के जा रहे हैं तो भी ये अच्छा है, और इसके साथ अगर आप कॉलेज वगैरह, कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में कभी एथनिक वेयर पहनने का मन करा या फिर कोई फंक्शन है आप एथनिक वेयर पहनना चाहते हैं तो आप इस की कुर्ती पहन सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके साथ ऐसे ये गोल्ड कलर में पेंडेंट परचेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बटरफ्लाई वाला पेंडेंट परचेज किया है, वो इस तरीके का पेंडेंट है। तो बटरफ्लाई वाला पेंडेंट मैंने परचेज किया है, एंड जब ये गले में पहनते हैं ना तो ये इतना प्यारा सा लुक देता है, बहुत लाइट वेटेड का है और बहुत प्यारा लुक देता है। और पेंडेंट तो आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग में चले हैं तो आप ये परचेज कर सकते हैं। तो बॉटम की बात करते हैं कि हम इसके साथ कौन सा फुटवेयर कैरी करने वाले हैं। तो जूती तो मैं बिल्कुल कैरी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये होगा कि पूरा वूलन का कपड़ा और नीचे से जूती, तो फिर वो ना मम्मी वाला लुक देंगे और बिल्कुल भी ट्रेंडी नहीं लगेगा, बिल्कुल फैशनेबल नहीं लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि यार इसके साथ तो मैं हील्स ही पहनने वाली हूँ, क्योंकि अगर यार नीचे से इतनी कोई ठंडी लगती है, पूरा ऊपर से पैक हो रखे और नीचे से भी पैक हो जाओ तो बहुत गंदा सा लुक देता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सैंडल्स परचेज कर लूं। तो ज़ेब्रा पैटर्न में मैंने की सैंडल परचेज करी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये सैंडल, बिकॉज इसका जो पैटर्न है वो यहाँ से वाइट है और ये वाली स्ट्रिप जो है वो ज़ेब्रा पैटर्न में है। इसकी हील्स पूरी ज़ेब्रा पैटर्न में है और इतनी लंबी भी नहीं है, मतलब आप इजीली इस पे चल सकते हो, कंफर्टेबल है। तो नॉर्मल हील साइज है इसका, जो है लेंथ बहुत ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल है, तो ये आप खरीद सकते हो। है जो मैंने साइज परचेज किया है वो यूके के साइज, मेरे पाँव में 5 नंबर आता है तो मैंने 5 नंबर में ये परचेज किया, 5 नंबर इसका साइज है और कंफर्टेबल है। आप इसको नॉर्मली किसी लाइक कॉलेज में भी अगर आप जाते हो तो कॉलेज में भी ये जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं, सूट के साथ कैरी कर सकते हैं, वन पीस के साथ ये सैंडल कैरी कर सकते हैं। तो सैंडल्स तो ऐसी कि आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब इवन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जा करके चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। मेकअप हमें क्या करना है कि जब भी हम विंटर आउटफिट पहनते हैं तो उसके साथ हम एक तो लाइट ज्वेलरी कैरी करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि हमें डार्क मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक डिसेंट लुक ही आपको बहुत अच्छा दिखाता है। अगर आप ओवर मेकअप कर देंगे तो बहुत ज्यादा बेकार लगेगा, क्योंकि इसका कपड़ा जो भी कलर हम पहन रहे हैं विंटर्स में वो ऑलरेडी बहुत डार्क कलर के होते हैं, डार्क और डल कलर के होते हैं, तो बहुत ब्राइट कलर के नहीं होते। उसमें हम अगर बहुत ज्यादा डार्क मेकअप कर देंगे, बहुत हैवी मेकअप कर देंगे तो बहुत ही गंदा लुक आता है। तो मैंने डिसाइड किया कि आप पूरा सिंपल मेकअप कीजिए, नॉर्मल सा नेचुरल मेकअप कीजिए, आई शेडो बहुत डल कलर का लगाइए, पिंक पिंक सा नहीं लगाना है, ब्राउनिश सा लगाइए, क्योंकि विंटर्स में आप जितना ब्राउनिश अपने मेकअप को ब्राउनिश लुक देते हैं उतना ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने अमेजोन से परचेज की है माई ग्लैम की लिपस्टिक। सो माई ग्लैम की लिपस्टिक मैंने आपको शेड में बता देती हूँ, जो मैंने शेड परचेज किया वो 38 इंस्टाग्राम स्टैंडिंग है, ये ब्राउन कलर की लिपस्टिक है, तो इसे डार्क ब्राउन है। इसको सिर्फ आपको नॉर्मल लगाना है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है। तो इसको लगाने से पहले आप मॉइस्चराइजर अपने लिप्स पे लगा लीजिए या फिर कोई लिप बाम लगा लीजिए, उसके बाद ये लिपस्टिक कैरी कीजिए। तो ये ब्राउन शेड है, ये आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप विंटर में एक एथनिक वेयर किस तरीके से कैरी कर सकते हैं, आपको वूलन कुर्ती कैसे मिलेगी और आपके साइज की अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर वूलन कुर्तीज जो है उसमें जो साइज होता है वो लार्ज से स्टार्ट होता है, डबल एक्सएल तक जाता है, हमारे मीडियम और स्मॉल वाले तो रह ही जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से ये साइज मिला है और सीरियसली बहुत अमेजिंग कुर्ती है, कपड़ा बहुत प्यारा है, बहुत वार्म है। तो आप भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे प्रोडक्ट की मेंशन कर दूंगी। तो ऐसे ही अमेजोन हॉल अगर आपको और चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स से बता दीजिए, मैं आपके लिए और भी ऐसे अमेजोन हॉल के ऊपर वीडियो बना दूंगी। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय।